मणिपुर वायलेंस पे मोदी जी मणिपुर कितनी बार गए? देश के प्रधानमंत्री हैं ना, मणिपुर में तो भाजपा की सरकार है ना, लेकिन मणिपुर कितनी बार गए? शून्य। गुजरात में बाढ़ आई कितनी बार गए? शून्य। कर्नाटका में बाढ़ आई कितनी बार गए? शून्य। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई कितनी बार गए? शून्य। उत्तराखंड में बाढ़ आई कितनी बार गए? शून्य। हमदर्दी में शून्य। और जब हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी मणिपुर जाएं, हाथरस जाएं, गुजरात जाएं, तो आज तक जैसा घटिया न्यूज चैनल अपने चैनल पर हेडलाइन चलाता है कि राहुल गांधी जी ड्रामा कर रहे हैं, मैं बोल देना चाहती हूं आज तक जैसे घटिया चैनल को कि अगर ड्रामा ऐसा होता है तो ऐसा ड्रामा आपके नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को भी करना चाहिए। अगर राजनीति इसे कहते हैं तो ऐसी राजनीति नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को भी करनी चाहिए। अगर जनता का दुख बांटना, जनता को बेवकूफ बनाना होता है तो ऐसा बेवकूफ नरेंद्र मोदी जी को भी बनाना चाहिए। अगर जनता का दुख बांटना चापलूसी कहलाता है तो ऐसी चापलूसी नरेंद्र मोदी जी को भी करनी चाहिए। जब जब जरूरत पड़ी है देश की जनता को, उसके नेता की ढाल बनकर खड़े हुए हैं आदरणीय राहुल गांधी जी। हर मुद्दे पर संघर्ष करते हुए सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी ही दिखे, बाकी लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार बनने के बाद अपनी राजनीति रोटियां सीखते हैं, ट्वीट करते हैं और फिर चले जाते हैं रशिया, इटली। 4 जून के बाद राहुल गांधी जी इटली चले जाएंगे। अंधभक्तों ने ये फर्जी खबर फैला रखी थी हर जगह, लेकिन 4 जून के बाद राहुल गांधी जी तो भारत में ही हैं, जनता के बीच, जनता के मुद्दों पर संघर्ष करते हुए, लेकिन इटली कोई और चला गया। जिसे इटली जाना चाहिए था वो इटली नहीं गए, इटली गए नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी जी की छवि को बर्बाद करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए भाजपा के आईटी सेल टीम ने। उन्हें किस किस नाम से नहीं पुकारा, लेकिन आज राहुल गांधी जी ऐसे नेता बनकर उभर रहे हैं जनता के बीच कि पूरे वर्ल्ड मीडिया उन्हें सराह रहा है और पूरे वर्ल्ड में उनकी लोकप्रियता नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा है। सांसद का भाषण अगर उनके 6,49,000 लोग देखते हैं राहुल गांधी जी का भाषण, तो मोदी जी का भाषण मात्र 27,000 लोग ही देखते हैं। तो डिफरेंस इज नॉट 10 times, इट्स 20 times। जनता ने अपना रुख राहुल गांधी जी की तरफ मोड़ लिया है और राहुल गांधी जी एक हफ्ते में 2 बार भाजपा को ललकार कर, आंख दिखा कर, आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि गुजरात में भी हराने जा रहे हैं हम इंडिया गठबंधन वाले भारतीय जनता पार्टी को, लिख के ले लो। अब भाजपा वालों की नींद उड़ी हुई है, भाजपा वाले इस बात से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इसके पहले भी जब बोल रहे थे राहुल गांधी जी कि इंडिया गठबंधन इस बार ऐसा परफॉर्म करेगा कि लोग देखते रह जाएंगे, तो भी लोग अंधभक्तों को उस समय लग रहा था कि अरे मजाक कर रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट और अयोध्या में जहां श्री राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा जा रहा था और उन्हें लोगों को, जब सरकार
नहीं बनी सांसद, वहाँ पे नहीं बना भाजपा का, तो अयोध्या वासियों को तरह तरह की गालियाँ दी जा रही थी। जिन हिंदुओं के नाम पर वोट मांगते हैं, अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा ठेकेदार बताते हैं, हिंदुओं को ही गाली देना शुरू कर दिया, क्योंकि अयोध्या में भाजपा को नहीं जिताया गया। अब बात ये उठती है कि राहुल गांधी जी की छवि बिगाड़ने की फिर से कोशिश की जा रही है आज तक जैसे घटिया चैनल के द्वारा। इस पे आप सबकी क्या राय है? आज तक चैनल को बॉयकॉट करना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि इस पे बैठे सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी देश की जनता को बहुत सालों से गुमराह कर रहे हैं, और फिर एक अच्छे नेता को, जनता के सुख दुख में काम आने वाले नेता को, उसकी छवि को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जनता अब समझदार हो चुकी है। इन गोदी मीडिया चैनल के हेडलाइंस और उनके एंकर्स की बातों में नहीं आने वाली है जनता। आप सबकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम।